के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास प्रश्न से हमने आपसे पूछा था ई मिशन किससे संबंधित है ऑप्शंस थे ए पृथ्वी बी चंद्रमा सी सूर्य या फिर डी क्षुद्र ग्रह तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए पृथ्वी अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन यानी ई एक अर्थ वेंचर्स इंस्ट्रूमेंट मिशन है जो शुष्क धूल स्रोत क्षेत्रों की खनिज संरचना का मानचित्रण करेगा इसलिए विकल्प ए सही है दृश्य और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेंज में इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से नक्शा विकसित किया जाएगा स्रोत क्षेत्रों के मानचित्रों का उपयोग वातावरण के विकिरणकारी बल, वार्मिंग या कूलिंग में खनिज धूल की भूमिका निर्धारित करने के लिए किया जाएगा ई e को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में विकसित किया गया था जिसे चौदह जुलाई दो को लॉन्च किया गया था चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं टाइगर ट्राइव 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक ये इंडो यूएस ट्राई सर्विसेज़ एम फी एच अभ्यास है और दो इसका हालिया संस्करण अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक हाल ही में विशाखापटनम में टाइगर ट्राइफ 2022 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया टाइगर ट्राइम इंडो यूएस ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एस असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी एच अभ्यास है इसलिए कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है इसका पहला अभ्यास नवम्बर दो में हुआ आपको बता दें कि फरवरी 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के द्विवार्षिक अभ्यास मिलन के लिए 30 से अधिक अन्य देशों के साथ शामिल हुआ था इस प्रकार विकल्प सही है अगला सवाल भारतीय दंड संहिता आई की धारा दो सौ पिचानवे ए किस से संबंधित है धार्मिक अपराध से राष्ट्रद्रोह से युद्ध अपराध से या फिर प्रत्यर्पण से तो सही जवाब है धार्मिक अपराध जो ऑप्शन ए में दिया गया है आईपीसी की धारा दो सौ ए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण पूर्ण कृत्यो के लिए दंड को परिभाषित और निर्धारित करती है जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है इसलिए विकल्प ए सही है यह धार्मिक अपराधो को दंडित करने के लिए आईपीसी के मुख्य प्रावधानों में से एक है राज्य अक्सर धारा एक ए के साथ धारा दो सौ ए लागू करता है जो धर्म जाति जन्म स्थान निवास भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्यो को करने वालों को दंडित करती है जब इस तरह के कृत्य को ऑनलाइन किया जाता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा छियासठ ए जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर दंड देती है को जोड़ा जाता है चलिए अगला सवाल लुसी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक ये बृहस्पति ट्रोजन का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है और दो इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक और न ही दो तो सही जवाब है ऑप्शन सी हाल ही में नासा का लूसी अंतरिक्षयान पृथ्वी की सतह से 220 मील ऊपर से गुजरा है यह अंतरिक्षयान बृहस्पति ट्रोजन का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है इसलिए कथन एक सही है लूसी ने अभी अपनी 12 साल की यात्रा में से एक वर्ष पूरा किया है इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था इसलिए कथन दो भी सही है इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कृषि गणना सबसे पहले कब शुरू की गई थी ए उन्नीस सौ में बी उन्नीस में सी उन्नीस सौ में या फिर डी उन्नीस सौ में तो सही जवाब है ऑप्शन ए उन्नीस सौ में ग्यारहवीं कृषि गणना के लिए पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा उन्नीस सौ में पहली कृषि गणना शुरू होने के बाद से देश में अब तक 10 कृषि गणनाएं हो चुकी हैं, इसलिए विकल्प सही है केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि और किसान कल्याण विभाग मानक अवधारणाओं परिभाषाओं और कार्य प्रणाली का पालन करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से भारत में कृषि गणना आयोजित करता है इसे तीन चरणों में किया जाता है और डेटा संग्रह के लिए सूक्ष्म स्तर पर परिचालन होल्डिंग को सांख्यिकीय इकाई के रूप में लिया जाता है चलिए अगला सवाल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एच किसके कारण होता है बैक्टीरिया वायरस कवक या फिर प्रोटोजोआ तो सही जवाब है ऑप्शन बी वायरस सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार कोविड 19 पर फोकस के कारण एच वैक्सीन उत्पादन में देरी हुई है आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा हिस्सा यानी पिचानवे प्रतिशत ऐसी अधिक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एच के कारण होता है एच प्रजनन मार्ग यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सबसे आम वायरल संक्रमण है ये एक वायरल संक्रमण है जो त्वचा ऐसी त्वचा के संपर्क ऐसी लोगों में फैलता है पुरुषों और महिलाओं में इसकी जाँच अलग अलग होती है और इसके अधिकांश मामले अपने आप दूर हो जाते हैं वर्तमान में चार टीके हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी ए एफ की स्थापना जुलाई उन्नीस में ग्रुप ऑफ सेवन यानी जी सेवन समिट द्वारा की गई थी ये समिट कहाँ आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क में पेरिस में प्राग में या फिर जिनेवा में तो सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया एफएटीएफ की स्थापना जुलाई उन्नीस सौ नवासी में पेरिस में ग्रुप ऑफ सेवन यानी जी सेवन समिट द्वारा की गई थी इसलिए विकल्प भी सही है इसका शुरुआती लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना था अक्टूबर 2001 में इसने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया इसमें वर्तमान में 37 सदस्य और दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में द्रविड़ क्रिस अन्ना मलाई का क्या है ए केचुआ बी तितली सी टिड्डी या फिर डी हॉर्नेट तो सही जवाब है टिड्डी जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है तमिलनाडु में पहचाने गए टिड्डी जगत के एक नए सदस्य का नाम द्रविड़ परिदृश्य के नाम पर रखा गया है इसका नाम पिग्मी यूनिकॉर्न टिड्डा द्रविड़ क्रिस मलाइका है जो तमिलनाडु के पूर्वी तट तक ही सीमित है इसलिए विकल्प सी सही है द्रविड़ क्रिस अन्ना मलाइका भारतीय ऑर्थोपटेरा की सूची में है जो 500 विषम प्रजातियों में से एक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफ के संबंध में सही नहीं है ए विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना जरूरी है बी भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोलना आवश्यक है सी उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है या फिर डी वे किसी अन्य एनजीओ को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं सही जवाब है ऑप्शन डी हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का एफ लाइसेंस रद्द कर दिया है उन्नीस में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच एक कानून बनाया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन पंप करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। 2010 में एक संशोधित एफ अधिनियमित किया गया था 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया जिससे सरकार को गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण का अधिकार मिला इसके तहत विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में विदेशी निधियों की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता होती है उसे किसी अन्य एनजीओ को धन हस्तांतरित नहीं करना चाहिए इसलिए विकल्प डी सही है अगला सवाल भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भूत कोला अनुष्ठान किस राज्य से संबंधित है गुजरात से सिक्किम से कर्नाटक से या फिर ओडिशा से सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक भूत कोला कर्नाटक का एक वार्षिक अनुष्ठान प्रदर्शन है जहां स्थानीय आत्माओं या देवताओं की पूजा की जाती है इसलिए विकल्प सी सही है ऐसा माना जाता है कि अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अस्थाई रूप से स्वयं भगवान बन गया है साथ ही ये भी माना जाता है कि ये भगवान की ओर से लोगों की समस्याओं का जवाब देता है कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों के तुलु भाषी क्षेत्रों में भूत की पूजा की जाती है ये आमतौर पर छोटे स्थानीय समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के संदर्भ में खेरसन किससे संबंधित है ए सूडान संकट बी रूस यूक्रेन युद्ध सी इसराइल लेबनान डील या फिर आर्मेनिया अजरबैजान संकट सही जवाब है रूस यूक्रेन युद्ध जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है दक्षिणी यूक्रेन के रूसी अधिकारियों ने खेरसन शहर के सभी निवासियों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है खेरसन रूसी सेनाओं द्वारा कब्जा की जाने वाली एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी है ये काला सागर के मुहाने के पास नीपर नदी पर स्थित एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है इसकी भूमिका के कारण यूक्रेन के लिए इसका नुकसान एक बड़ा झटका था चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न प्रश्न तो प्रेशन है है छम क्या ऑप्शन से ए लोक संगीत बी जनजातीय समूह सी लोक नृत्य या फिर डी मार्शल आर्ट तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद